रजत दलाल ने आधी रात को कर दिया है ब्लैक मैजिक। रजत दलाल को ब्लैक मैजिक करना आता है? कभी आप लोगों ने ब्लैक मैजिक के किस्से सुने हैं? इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। सीरियसली, मेरे पास एक ब्लैक मैजिक का, मेरे खुद के फ्रेंड का एक किस्सा है। पर अब मैं उस किस्से के बारे में बताने लग जाऊँ तो वो ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ था कि फिर दोबारा से मेरे को ही अटैक करेगा। ब्लैक मैजिक ऐसा होता है क्योंकि मैंने एक बार फील किया है मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था। पर अब घर के अंदर ब्लैक मैजिक हो रहा है। एक वीडियो जो है वायरल हो रही है रजत दलाल की। रजत दलाल जो है एक प्लेट में रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, रेड टमाटो सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस को जो है वाइट प्लेट के ऊपर जो है कुछ स्टार्स बना रहे हैं। अभी ब्लैक मैजिक में स्टार्स होते हैं भाई, चीज़ें होती है ऐसी। पर सॉसेस से बनाई जाए ब्लैक मैजिक, ये मैंने आज तक नहीं देखा है। ये एक मतलब कि कमाल के गजब के गर्दा मचाने वाले इंसान है रजत दलाल, जो इन्होंने ऐसी की है और फिर ऊपर से चाकू से भी काट रहे हैं और आधी रात को ऐसा ऐसा करके जो है चीज़ें कर रहे हैं। तो बस फिर क्या था, लोगों ने जो है क्लिप शेयर की और बोले कि भाई दिग्विजय के साथ लड़ाई हुई है, अब जो है ये रज्जो जो है काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका है ब्लैक मैजिक से, अभी कुछ और नहीं चल रहा, ब्लैक मैजिक से ही उसको बाहर निकाल देगा, उड़ा देगा। मस्ती मजाक में ये बातें हो रही हैं और सीरियसली ये सीरियस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा है। बट कुछ लोग इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं कि भाई ब्लैक मैजिक रजत दलाल कर रहा है। तो उन लोगों को भी बता दूँ कि भाई सॉसेस से क्या ब्लैक मैजिक होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा था बंदा, जो है आराम से उसके कार्टून्स बना रहा था और उसको टाइम पास करना था, उसके दिमाग में चीज़ें घूम रही थी और वो सॉसेस से ये हरकतें करने लग गया। इस घर में जो है लोग कौए से आके बातें करते हैं, लोग मक्खियों से बातें करते हैं, लोग काफ़ी सारी पागल हरकतें करते हैं इस घर में, ये तो बहुत छोटी सी है। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने का एक अलग साधन है जो कि रजत दलाल ने निकाल लिया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।